यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम प्रेजेंट है जो सेंट्रल मेटल एटम, तो ब्रैकेट लेके आप अंदर यहाँ पे आसानी से क्रोमियम लिख सकते हैं सीआर से। उसके बाद देखिए ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायन को डायमीन एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, मैं बताता हूँ फॉर्मूला इसका, CH2NH2 होता है और यहाँ CH2NH2 होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम EN से लिख सकते हैं और इसके पास वैलेंसी कुछ नहीं होती, तो यहाँ पे आप EN, एक्चुअली इसके नाम के अगर डाई है इसलिए यहाँ पे ट्रिस का मतलब 3 होता है, बिस का मतलब 2 होता है, तो वहाँ पे नेमिंग में हम ट्रिस 3 और बिस 2 इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पकड़ सकते हैं ट्रिस का मतलब है 3 टाइम्स है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्लोराइड का मतलब Cl है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है कि आखिर इस ब्रैकेट पे क्या चार्ज है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और ब्रैकेट के इनसाइड और आप बाहर जो एनायन प्रेजेंट है Cl, इन दोनों के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड और इनसाइड होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो बाहर जब आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो चार्जेस क्या होंगे उसे निकालना होगा, तो ब्रैकेट को आप एक्स मान सकते हैं और क्लोरीन पे चार्ज आप -1 जानते हैं पहले से ही। इस एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो हमारे पास यहाँ पे 3 दिया है, 3 का मतलब है क्रोमियम का चार्ज +3 है, ईएन का चार्ज हम जानते हैं कि 0 होता है, इज इक्वल टू आप इसे एक्स लिख सकते हैं, इसे एक्स के बराबर, एक्स इक्वल टू वैल्यू आ गई +3। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू +3 है और ये -1 है, तो हमने आयनिक बॉन्ड को 9th क्लास से पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ब्रैकेट कीजिए Cr EN का होल थ्राइस और 1 से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को कीजिए तो 1 ऐसे ही रहेगा और Cl को मल्टीप्लाई 3, तो आपका ये नाम होगा इस कंपाउंड का। अब जरा आप आयरन वाले केस में आते हैं, ये देखिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आप फेरेट से पकड़ा मैंने कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, अगर मेटल के नाम में 8 प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये आयरन ब्रैकेट के बाहर है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, Fe को बाहर लिखा हमने। अंदर देखिए फेरेट, फेरेट का मतलब फिर Fe ही दिया हुआ है। हेक्सा सियानाइडो, हेक्सा का मतलब 6 होता है, सियानाइडो का मतलब होता है CN, तो CN का होल 6, ब्रैकेट क्लोज। अब प्रॉब्लम है कि इस ब्रैकेट पे चार्ज क्या होगा, तो इसका चार्ज यहाँ +3 दिया हुआ है और इसका चार्ज यहाँ +2 हम यहाँ से लेंगे, इससे लेंगे, Fe अंदर वाले +2 है, बाहर वाले +3 है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट का चार्ज निकालना पड़ेगा, तो ब्रैकेट का चार्ज इस ब्रैकेट के अंदर वालों पे डिपेंड करेगा, तो एक्स इक्वल टू आयरन का हमने +2 लिया, साइनाइड का 6 × -1 होता है, तो 2 − 6 = −4 वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू −4 आपने निकाल लिया जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके +3 है, तो हमने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट से आपस में आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा Fe4 ब्रैकेट क्लोज Fe CN का होल 6 ब्रैकेट के बाहर क्या होगा होल थ्राइस, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। आप चाहें तो मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं, यहां पे देखिए जैसे लिखा हुआ आपके पास एमिनो एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो और एन लिखा हुआ है प्लैटिनेट 2। अब देखिए प्लैटिनेट से मैंने पकड़ा कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ब्रैकेट बना लीजिए और आगे कोई मेटल नहीं है यहां पे। अमीन का मतलब अमोनिया है, ब्रोमाइडो का मतलब ब्रोमीन है, क्लोराइडो का मतलब तो ये NH3 ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला ब्रोमीन का आप ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन का आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं Br, क्लोराइडो को आप Cl ले सकते हैं और नाइट्राइटो का मतलब N का मतलब है ये NO2 है, अगर ये नाइट्राइटो नहीं बल्कि नाइट्रो होता या नाइट्राइटो O होता तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता ONO, बट यहाँ पे N दिया इसका मतलब नाइट्रोजन से लिंकअप है, प्लैटिनम PT हो गया, तो पहले हम PT अंदर लिख दें, फिर देखिए NH3 लिख दिया हमने, फिर हमने Br लिख दिया, फिर हमने Cl लिख दिया, फिर हमने NO2 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें X पे चार्ज निकालना है, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या है, तो आप यहाँ पे जानते हैं प्लेटिनम का +2 दिया हुआ है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, इसका -1, इसका -1 इक्वल टू X, तो आप X इक्वल टू देख रह सकते हैं -1 आया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वैसे लिखा जाएगा PT NH3 Br Cl NO2 ब्रैकेट के ऊपर -1, इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये तरीका है। इस तरह से IPOC नोमेनक्लेचर का पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके। थैंक यू।